मेरी शॉप नहीं है पिंडी में, शॉप से मतलब उनके जो हेयर का वॉल्यूम कम है, ठीक है, वॉल्यूम कम है तो इस तरीके से ये पैच होता है। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। ओके मुजैना, मुजैना को ऐड कर लीजिएगा, मुजैना मलिक, ठीक है। सिस्टर वो भी दिखा दे मुझे, कौन सी वाली रेहाना, लोगों को, क्योंकि कमेंट्स जल्दी जल्दी आते हैं तो मैं मुझे फिर दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से 8 पैचेस का सेट होता है, ठीक है। दो एक लेंथ के होते हैं, फिर एक लेंथ के होते हैं दो, मतलब इस तरह करके ये तकरीबन 8 पैचेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक पैच है इस तरीके से, इसी लेंथ का एक और पैच होगा, फिर इससे छोटे होंगे पैचेस। लो मैं तो फिर वहां आप दिखा तो पर देती 34 लेंथ में नहीं आता, सबसे लास्ट लेंथ जो होती है वो होती है विग्स में आती है 32 इंचेस, और हाफ हेड में आती है 34। टॉपर्स में जितने भी होते हैं उसमें आती है 26 से 28, ठीक है। टॉपर्स का क्योंकि वेट होता है, टॉपर्स का जो वेट होता है वो यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ता है, बालों के साथ क्लिप लगते हैं पीछे की तरफ को जाते हैं तो वो फिर जो है बड़ा मुश्किल होता है उसको कैरी करना, ठीक है। क्लिप लेंथ कितनी सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ तकरीबन जो है वो आई थिंक 24 है, 18 से 24। में अभी मेजरिंग वेट बर्दाश्त करना होता है इसलिए जरा स्टैंडर्ड लेंथ में आते हैं। 28 इंचेस काफी नीचे चली जाती है, 20 इंचेस मेरी तो कमर तक आ जाती है, आई डोंट नो आप लोगों की कहाँ तक आ जाती है। क्लिप सेट के प्राइस जो है 3500 है, सो शेयरर्स के लिए आज 500 का डिस्काउंट है तो वो 3000 हो जाएगी, ठीक है। होता है ना ब्लो ड्राई लुक में होता है उस तरह से है, क्वालिटी वगैरह आप लोगों को सारी नजर आ रही है। अच्छा एक ना बहुत जो एक इसको मजे की बात तो नहीं कह सकते, ये है कि इस दफा जितने पार्सल कहते हैं, हालांकि इस दफा मैं थोड़ा सा वो डिले हो रही थी क्योंकि जजाक अल्लाह सुमेरा, वालेकुम अस्सलाम, खुश जरा मैं ठीक हूँ। जो 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 लोग शेयर करते जा रहे हैं प्लीज डन लिखते जाइएगा ताकि मैं जो है नेम ऐड कर लूँ। वालेकुम अस्सलाम मीर हसन, उनकी डिमांड थी अच्छा कोई सेल वगैरह होनी चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा तो रिलीफ होना चाहिए। वॉश कैसे करना है, वॉश सिंपल, इसको वॉश करना है कहीं भी इस तरह हैंग करें, ऊपर से पानी जैसे मग से डाल लें या वगैरह से पानी इन पे पोर करें, ऊपर से नीचे की तरफ शैम्पू लगाएं या कंडीशनर लगाएं एंड देन ऊपर से वॉश कर लें, और फिर जैसे ही ना ये गीले हों जब ना सूखे हों यानी कि मिड में आ जाएं तो फिर आप इसको ब्रश कर लें पहले नीचे से। अच्छा देखें हम लोग वीकली के समझते हैं कि यार ये तो ना हमारे पास कोई ऐसा गैजेट आ गया कि अब ना इसके बाल निकलने हैं तो ये जो है ना बस कोई बड़ी वो जो है ऑथेंटिक सी चीज़ आ गई, लेकिन देखें ये बाल हैं, अल्लाह ताला ने जो हमारी जड़ों में बाल दिए वो भी कंघे से उतरते हैं, तो ये तो इनको स्टिचिंग हुई भी है, कैसे इंसान कोई भी ये सोच सकता है। मैं दिखाती हूं आपको, ये एक कोई कैसे सोच सकता है कि आप इसको खींचेंगे बाल और बाल उतरेंगे नहीं, ठीक है। ये जो है वो सारे ये जो टॉपर्स होते हैं ये सारे कोरियन क्वालिटी में होते हैं, ठीक है, सारे कोरियन क्वालिटी में होते हैं, और मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। एक मिनट कैमरा थोड़ा सा दूर करूं ताकि मैं आप लोगों को ठीक से शो कर सकूं। ये देखें इस तरीके से अगर आप इसको उलझा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग जो है वो इसको उलझा देंगे, ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, ये इस कंडीशन में आ जाएगा, और इस कंडीशन में आ जाएगा, और ये आप इस तरीके से आप जहां जहां से ब्रश करते जाएंगे, और ये नहीं है कि देखिए सिर्फ मैं ऊपर से कर रही हूँ, ये मेरे ब्रश जो है इसकी लाइनिंग आपको पीछे वाली जगह से नजर आ रही है, और ये जिस तरह से फ्रंट से वो हो रहा है इसी तरीके से ये बैक से ब्रश हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इजीली आप इसको ब्रश करें, ठीक है, इसको ब्रश इस तरह करें, जितने भी लंबे बाल हो ना थोड़े जो आपके हाथ में आए पहले इसको यहाँ से मिड से पकड़ें, पहले इनको नीचे से ब्रश कर लें, फिर इसको ऊपर से साथ ब्रश कर लें, जैसे हम अपने बालों को करते हैं ना इसी तरीके से इन बालों को भी हमें थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। तरीके से आप लोग निकालोगे इनके, इस तरीके से क्लिप्स आप लोग सारे खोलोगे, 5 क्लिप्स लगे हैं, पांचों आप खोलोगे, क्राउन एरिया पर रखोगे इस तरीके से, और ऊपर से क्लिप्स को प्रेस कर दोगे, ये आपके बालों के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। फ्रंट से इतनी सी बालों की एक लेयर बिल्कुल हल्के हल्के उठा के इनके ऊपर डाल दोगे और अपने बालों के साथ कंघा कर लोगे ताकि ये जो लाइन है ये लाइन नजर ना आए, ठीक है, और ये आप इसको आगे कर लो, पीछे करना चाहते हो पीछे करो, इनको ब्रश करो, ये बहुत अच्छी लुक दे देंगे आपको, ठीक है। हाँ डियर ये तो है, लेकिन ये है कि देखो अगर मैं खुद आऊँगी तो मैं अपने ऊपर कैसे लगाऊंगी, फिर मुझे सामने मिरर चाहिए कि देखो जिस तरह से दिखा सकूँ जितना मैं इसको दिखा सकूं उतना मैं कोशिश करती हूँ कि समझा सकूँ आप लोगों को। इसके प्राइस जो है 3800 है, लेकिन ऑन शेयरिंग ये आप लोगों को जो है उसके जो विग लगाई है डमी पर उस पर लगा दिया करें, यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है,
मैंने यहाँ से इसको टाइटली पकड़ा है, अब मैं इसको ये खींचने की भी कोशिश कर रही हूँ ना इतनी जोर से, तो ये देखो इतनी मैं इसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ तो वो क्लिप निकलने वाला हो गया, लेकिन ये उतरेगी नहीं, ठीक है, चाहे आपके बाल कम भी होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आबी, कैसी हो आप? आबी ए को कर लेना, आबी एस संधू, ठीक है, उनको वो कर लेना, ये उतार लें और ये कर लें। मैंने यहाँ पे वैसे भी एक और लगानी, काट है ना हाँ ये ये इसके देखो ऊपर ना ये जैसा मैं अपने हाथ पे आपको बताती हूँ, बिल्कुल। ये आप ये देखें इस तरह से करनी है ना, तो फिर ये देखें इस तरीके से ऊपर वेलक्रो लगी है, अब ये यहाँ पे चिपक गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये वेलक्रो को छुपाने के लिए ऊपर इस तरीके से 1800 इसके प्राइस है, ठीक है, 1800 के इसके प्राइस है। और ये पोनीटेल्स पर डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है। इन हेयर्स पर फुल विग लगा के, मैं इन पे लगा के दिखाती हूँ, फिर शोल दिखाती हूँ, ये है कैचर में। अच्छा कैचर का ये होता है जिन लोगों को टाई अप वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गर्ल्स को तो करना आती है, बाकी लेडीज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या ये मैट में है, ठीक है, ये मैट में कैचर पोनीटेल्स है, ये आप लोग, ये तो नेट है इसको कवर अप करने के लिए, मैंने साथ से उतारी नहीं है इस तरीके से। और ये कैचर जो है वो इतना जी एक्सटेंशन उस पर डिपेंड करता है, जो ह्यूमन हेयर है सिस्टर, वो लेंथ और डिपेंड करते हैं, लेंथ पर उसके प्राइसेस जो है लेंथ पर डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो 38, उसके 100 ग्राम्स के प्राइस है 38,000, तो जिस तरह नीचे आते जाएंगे आप, जिस तरह नीचे आते जाएंगे तो इस तरह से उनके प्राइसेस भी कम होते जाएंगे। तो आप मेरी टॉपर लॉन्ग की मिलेगी, कॉल बात कर सकती हैं, जी जी आप कॉल कर लीजिएगा, सिर्फ दिखा दें बॉब में साइड पब में, अभी दिखाती हूँ यार आपके पास मैन के लिए है, जी मैन के लिए है। अगर आपने इसको साइड मांग करके दिखाना है ना, तो साइड इसको आप थोड़ा सा साइड ट्विस्ट करके पहनोगे और यहाँ क्लिप से एडजस्ट कर लोगे, तो ये साइड की मांग आपको इस तरीके से हो जाएगी। जी ढेर ओरिजिनल हेयर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ प्री ऑर्डर्स पर, ठीक है, सिर्फ प्री ऑर्डर्स पर। इसका मैं बैक लुक दिखाती हूँ आपको कि बैक लुक कितना खूबसूरत आता है इसका, गला खुश्क हो गया। वो 220 वाली विग में से ना, मामा ना तंग करें ना, ऐसे करके बनाओ, आप बना सकते हो, ठीक है, फ्रंट से हेवी, ओके मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से नन्नी बना सकती हूँ, तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा बॉब होगा ना, मुझे बताइएगा, मैं कटिंग करवा दूंगी जिस तरह का भी आप कहेंगी। मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं वो निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखा, जिनकी एज जो है 40 अबव 50 अबव हो जाती है, यानी कि मदर्स के लिए स्पेशली ना, क्योंकि ना वो बहुत लंबे होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। ये कोरियन विग है, एक्सीलेंट क्वालिटी है, जिस तरह हम अपने बालों को केराटिन रिबोन करवाते हैं, दूसरा ये कि इस एक विग में आपको सारे फीचर्स जो है वो मिल रहे होते हैं। वो किस तरह से इसकी मांग दी हुई है, और मांग इस तरह से दी हुई है, बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच फरहाना। ये देखें भाई, ये है ग्रे कलर, ठीक है, ग्रे के साथ ग्रे सिल्वर कलर है ये, प्लीज मेल विग दिखा, ओके, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस वाली अवेलेबल, स्मॉल पोर्शन वाली अभी दिखा, इसके बाद अभी मैंने शॉर्ट विग्स दिखानी है। प्लीज मैन वाली विग दिखाओ यार, एक डमी को ये पहनाए ना जरा, अच्छा, तीसरी वाली विग को कहाँ गएंगे, और इसमें और भी पड़ी है, ये कस्टमाइज हुई नहीं है, 3500 की प्राइस है आज के लिए, ये आपको फ्रंट कटिंग के बगैर नहीं होती यार, फ्रंट कटिंग के बगैर नहीं होती है, जो आती है उनमें कट लाजमी होता है। देखो ये एश ऑलिव कलर है, ये जो है ये मल्टी कलर्स के साथ है, ये है नेचुरल कलर, ठीक है, जैसे बरगंडी कलर होता है ये, मांग में नहीं होगी सिर्फ सदा, ए वन कलर फ्लावर कलर फ्लावर्स आप अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज करवा सकते हो। मैं 1 मिनट इसको लगा दूँ, इसको हल्का सा सिंपल सा जो है वो स्टाइल किया, और मैंने क्या किया इसके पीछे जो है इस तरह, ये रेडी टू वेयर है, ठीक है, इनके ऊपर देखें इस तरीके से फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा यार दिखाती हूँ, इसमें मेहंदी, ब्लो ड्राई वाली दिखा इसमें दें, मेहंदी लगे बालों की जैसी है, जी सब कलर्स की है, सब कलर्स की है, सब कलर्स की, ये मेहंदी लगे बालों जैसी है, डार्क ब्राउन बरगंडी जैसे शेड है, ये वही शेड है, देखें इसके पीछे इस तरह से क्लिप लगे, कुछ नहीं करना आप, मैंने यहाँ पे रख के इनको इस तरीके से फूल शूल इसमें सारे ओरिजिनल की तरह के लगे हुए, ठीक है, ओरिजिनल फूल तो हमने एक दफा लगाने होते हैं, ये सारे ओरिजिनल के, क्योंकि आजकल वो लग रहे हैं तो इसलिए यही आ रहे हैं। ये देखें इस तरह से लगाया, और ये आपका पूरा इस तरीके से ब्रेड आ गई, ठीक है, इसमें फूल आप अपनी मर्जी से भी हाँ लगा सकते सकते हैं, हैं। ये आपको 2500 रुपीज में मिल जाएगी आज, ये जो अभी
एम एम उन शायद उनका नेम है, तो ये देख लीजिएगा, ये स्टेप कटिंग में हमेशा सबसे ज़्यादा यही आता है, क्योंकि ये ना सब लोगों को ये बहुत रियल लुक देता है, पता ही नहीं लगता, आपके साथ बैठा बंदा नहीं गेस कर सकता कि आपके ये बाल आपके अपने बाल नहीं है, और ये हर हर एज का बंदा लगा सकता है, ना ये बहुत लॉन्ग है ना ये बहुत शॉर्ट है, ठीक है, मीडियम कट है ये, और लेयर में, और लेयर कटिंग ऐसी होती है कि इंसान का लुक चेंज कर देता है ना ये, तो ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम बता देना, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट आपको पता है आज के लिए तो अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सेल सिर्फ आज रात जो है सिर्फ 2 बजे तक है, इसके बाद नहीं, इसके बाद सिर्फ क्या सेल है बता? जो है आज आपको हर आर्टिकल पर जो है वो 500 ऑफ मिलेगा, ब्रश करो तो ये खुद ही ठीक हो जाता है, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से ब्लो ड्राई लुक में है, ये एश ऑलिव कलर, वालेकुम अस्सलाम फौदिया जाहिद, प्राइस इनके 3500 में आपको मिलेगी, वालेकुम अस्सलाम, ओके आहत कोई बात नहीं, क्या प्राइस मिलना? एश ब्लॉन्ड कलर आपको मिल जाएगा इसमें, इसमें एश ब्लॉन्ड कलर मिल जाएगा, इसमें देखो वो नीचे गोल्ड गोल्ड कलर है, ये दिखाओ मुझे, एश ब्लॉन्ड कलर है इसमें, इसके प्राइस 4500 है, 4000 रुपीज़ की मिलेगी लास्ट, नहीं बेटा ओके ओके, लेकिन मोनोटॉपर के प्राइस 3000 रुपीज़ है, देखो तुम्हारी बेइज्जती की है ना मैंने बहुत मुश्किल से ये देखिए ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर का बैग भी मैंने दिखा दिया, मैं तो दिखा इस ना, ये एश ग्रीन कलर, जिनको एश ग्रीन कलर में लॉन्ग हेयर चाहिए थे ना, सो ये ब्लो ड्राई कट में है, ठीक है, ये ब्लो ड्राई कट में है। अरे तुम खाने की तरफ चले जाओ, हाँ ये ये स्नैक पोनी टेल जो मैं आपको कह रही थी ना, स्ट्रेट में भी आपको मिल जाएगी, ये वो ये स्ट्रेट में देखनी है, ये देखनी है स्नैच पोनी टेल में, ठीक है, ये स्ट्रेट है, कम रेंज वाली और अच्छी, डेयर रेंज तो मैंने आपके सामने बता दिए, 500 डिस्काउंट था आज, कैन यू प्लीज़।